हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरिंग। आज हम बात करेंगे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु ये विज्ञप्ति आई है, तो हम इस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो विज्ञप्ति का जो दिनांक है वो 13/1/2023 से है। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राज्य में राजस्थान पैरामेडिकल की ये विज्ञप्ति है, जो 2022-23 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16/1/2023 16 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग 2022-23 का विस्तृत कार्यक्रम विशिष्ट आ से संलग्न है। तो ये जनवरी और फरवरी एक महीने का टाइम दिया जाएगा, इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये फॉर्म होगा जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें वेरियस कोर्सेज जो दे रखे हैं उनसे हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उनकी डिटेल भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। तो गाइस, एक बात याद रखिए कि जितने भी बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं, और या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो 100 बेडेड होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ब्लड बैंक, अपना खुद का ब्लड बैंक होता है। तो ब्लड बैंक की हर हॉस्पिटल को ज़रूरत रहती है। तो जो भी डिप्लोमा इन ब्लड बैंक करेंगे वो ब्लड बैंक टेक्नीशियन बन जाएंगे, और कम से कम मंथली उनका 30,000 से 40,000 प्राइवेट में और इससे ऊपर गवर्नमेंट में कमा सकते हैं। तो ब्लड बैंक के बहुत सी अपॉर्चुनिटी रहती है, फॉरेन में भी रहती है और इंडिया में भी रहती है। तो ब्लड बैंक टेक्नीशियन ही चलाते हैं ब्लड बैंक को मेनली, क्योंकि ब्लड को क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है और उनका सैंपल और क्रॉस चेक, क्रॉस मैच वगैरह करना पड़ता है, तो उसमें टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो 2 साल का जो कोर्स कर लेंगे वो ब्लड बैंक टेक्नीशियन कहलाएंगे। और ये जो कोर्स है वो साइंस बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म फिलअप करके, और वो 2 साल के अंदर ब्लड बैंक टेक्नीशियन बन सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी। जो लोग कार्डियोलॉजी से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं वो कैथ लैब टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके भी हृदय की, हार्ट की धमनी या सिराएं ब्लॉक हो जाती है, उनमें ये काम, ये कैथ लैब के टेक्नीशियन काम करते हैं और ये करते हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम आपको पता है गाइस, किडनी फेलियर के बहुत से पेशेंट होते हैं जो कि नेफ्रोलॉजी हैंडल करता है, उसमें डायलिसिस टेक्नीशियन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो अपने आप को डायलिसिस टेक्नीशियन अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहता है तो वो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर लीजिएगा, इसमें भी अच्छा स्कोप है। 4th नंबर है डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी। तो गाइस, ये बात ध्यान रखिए, किसी भी हॉस्पिटल में ECG टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये है डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन रहता है, तो आप इसमें भी अच्छा बेनिफिट अगर जो करना चाहे। डिप्लोमा इन EEG टेक्नोलॉजी। तो गाइस, ये एक जैसे नेफ्रो न्यूरोलॉजी हो गया, साइकाइट्रिक हो गया, वैसा डिपार्टमेंट में EEG टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहती है। जो इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी होता है इसका कोर्स, ये जो ब्रेन होता है उनके न्यूरोलॉजिकल इनकी स्टडी होती है, EEG टेक्नोलॉजी होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है। ये एक मशीन होती है इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी। तो गाइस, जो भी ये कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है। जो डिप्लोमा इन EEG करके एज ए टेक्नीशियन बन के वो EEG का टेक्नीशियन बन सकता है। 6th नंबर है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। गाइस, ये एक नया कोर्स ऐड हुआ है, ये एम्स में भी करवाया जाता है, और आपको इसके करने के बाद फ्यूचर में आपको एम्स में भी मौका मिल सकता है। तो ये डिप्लोमा इन इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी है और ये
अभी नया है और इसमें काफ़ी चांसेस है। डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, जो भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं ये वो टेक्नीशियन बन सकते हैं, जैसे ये लंग्स की एंडोस्कोपी है और इसोफेगस की एंडोस्कोपी है, तो ये इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए जो उनकी हेल्प करते हैं वो एंडोस्कोपी टेक्नीशियन कहलाते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये तो सबसे कॉमन है, जो लैब के रिजल्ट को प्रोसेस करता है, जो लैब के ब्लड सैंपल को प्रोसेस करता है, जो जिसका MLT अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो डिप्लोमा इन MLT या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। 2 साल का कोर्स रहेगा सारे। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया इमरजेंसी एंड ट्रॉमा टेक्नोलॉजी है, उसी तरह डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, जो एम्स में और ऑटोनोमस बॉडी में और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो कम से कम 30,000 से 40,000 रुपये आपको मंथली मिल सकते हैं, और अगर आप धीरे धीरे गवर्नमेंट में सेक्टर में जाओगे तो आपको 50,000 से 60,000 तक भी मिल सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं, जो आँखों के टेक्नीशियन होते हैं। और फिर आता है डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, जो ऑर्थो हड्डियों के जो टेक्नीशियन होते हैं ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, तो वो ये काम कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, गाइस ये एक सबसे बेस्ट ये है रेडिएशन टेक्नोलॉजी का कोर्सेज, जिसकी हम 12 नंबर की बात कर रहे हैं, सबसे बेस्ट है, जिसमें एक्सरे से रिलेटेड है और ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, तो रेडिएशन से जितने भी रहेंगे तो ये है। अगर हम प्रायोरिटी वाइज बात करते हैं तो आप कौन सा कोर्स चूज कर सकते हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, ब्लड बैंक रहता है, ECG टेक्नीशियन रहता है, इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नोलॉजी रहता है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी रहता है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी रहता है, कैथ लैब टेक्नोलॉजी रहता है, और ये एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी रहता है, और उसके बाद रहता है ऑप्थेल्मिक एंड ऑर्थोपेडिक्स। तो ये आप अपने हिसाब से आप एक अच्छा कोर्स अपना करियर बना सकते हैं चूज करके। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या योग्यता हैं। सबसे पहले योग्यता मैंने आपको बताया कि भाई 12th साइंस होना चाहिए, साइंस के अंदर मैथ्स भी चलेगा और बायोलॉजी भी चलेगा, एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स और बायो में से, और इंग्लिश वो तो सब हो जाता है। तो सेकेंड बात है, ये परीक्षा अभ्यर्थी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा अन्य कोई शिक्षा बोर्ड जिसकी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उसे माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो से उत्तीर्ण की हो, 12th पास मांगता है इसमें, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक की इस अहर परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों में प्रत्येक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, सभी में क्लियर होना जरूरी है, जिसका सत्यापन संबंधित शिक्षा बोर्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये जो परसेंटेज होते हैं वो उसको वेटेज देंगे, जो EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के रहेंगे, EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के रहेंगे उनका 45% है, और OBC, MBC, SC, ST और शहरिया के लिए 40% रहेगा, वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनका 40% 12th में है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, जिन्होंने साइंस लिए और वो सोचते हैं कि हम क्या करें, तो ये उनके लिए पैरा मेडिकल लाइन में सबसे बेस्ट मौका है। अगर आपको जॉब के लिए और सभी चीज़ों के लिए आपको अच्छा मौका मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज की, 17 साल उम्र होनी चाहिए और उससे ऊपर कितनी भी हो चलता है, 30 तक भी आप अप्लाई कर सकते हो और ऊपर भी कर सकते हो। सीटों की संख्या अभी नहीं पता, काउंसलिंग के टाइम बताएंगे, रिजर्वेशन तो जैसा है वैसा रहता है, पाठ्यक्रम की अवधि एवं माध्यम ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम इसकी बात करते हैं, पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, ये जो 2 वर्ष का रहेगा जो मैंने बताया था आपको, अवधि है इसकी 2 ईयर है, सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थाओं में पैरामेडिकल माध्यम प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेज़ी रहेगा, आपकी जो पढ़ाई रहेगी वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में रहेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो पेपर आएगा वो हिंदी अंग्रेज़ी भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिंदी अंग्रेज़ी भाषा में दिया जाना अनिवार्य है। जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस की बात कर रहे हैं, वो ये रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और प्रशिक्षण शुल्क, आप कुछ बच्चे सोचते होंगे हम इतनी अफोर्डेबल ये इतनी फ़ीस कैसे लाएं, तो गाइज बहुत सी स्कॉलरशिप आती है, वो स्कॉलरशिप से आपका 70,000-80,000 रुपये या 1,00,000 मैक्सिमम आपका बजट रहेगा और उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो स्कॉलरशिप के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं, 2 ईयर में आप फ्यूचर अपना बना सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं तो 35,000 के रहता है और क्वेश्चन मनी 5,000 लेते हैं जो कि रिटर्न कर दी जाती है आफ्टर कंप्लीशन कोर्सेस। एंड यूनिफॉर्म फ़ीस देते हैं 1,500 रुपये जो वंस टाइम देंगे, तो कुल मिला के 2 ईयर का लगता है 70K लगता है बस। बाकी आपका जो ऊपर का खर्चा है वो रहता है 1,00,000 के करीब पहुंच जाता है। और ये आपको पैसे कैसे किस तरह से लिए जाएंगे, तो जब आपका आप काउंसलिंग भरेंगे तो 1,000 आपसे लिए जाएंगे, फर्स्ट 10,000 लिए जाएंगे सॉरी। और उसके बाद आपको ये जो 10,000 है आपका जब हो जाएगा एडमिशन, तो ये क्या कर दिए जाएंगे आपके वहाँ पे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जो आपको मैंने बताया था ट्यूशन मनी है वो 35K है, तो आपको वहाँ पे 25K डिपॉजिट करना पड़ेगा और बाकी के 25K आपको ये 25K आपको वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा और 10K आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से 35K आपके फीस डिपॉजिट हो जाएगी। हाँ, तो ये SSO ID के थ्रू ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो अप्लाई इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ORG पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SSO पे ID बनानी पड़ेगी, उसके बाद कर सकते हैं। जो फीस की बात करते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी EWS OPC और MBC के अभ्यर्थियों के लिए 1,500 रुपये हैं और कर सकते हैं। और शेष अन्यों के लिए 1,000 रुपये हैं, ठीक है। और ये आपको कैसे देने पड़ेंगे पैसे का, ये मैं आपको बता दिया देता हूँ। ये मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक दिनांक 8/9/2021 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने तो समस्त अभ्यर्थी को जन आधार कार्ड के नंबर आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो आप देख लीजिएगा। जन आधार कार्ड नंबर आप उसमें डालने पड़ेंगे। प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया एवं शुल्क, ये जो मैंने आपको बताया था 10,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे और ये अगर आपको कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है, विवरण लौटा दिए जाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये 3 चरणों में काउंसलिंग होगी, ये सब लास्ट का प्रोसीजर है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो गाइज जो भी चाहते हैं अपना करियर बनाने में, जिन्होंने साइंस लिया है और वो बीच में अगर पढ़ाई छोड़ चुके हैं या अभी अभी नए नए उन्होंने कोई टारगेट नहीं किया है कि हमको करना क्या है, तो वह उनके लिए सुनहरा मौका है और वो ये फॉर्म फिलअप करके अपना करियर बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप काउंसलिंग के टाइम में कौन सा कोर्स आप चूज करें जिससे आपको बेटर आपको करियर बना सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमील है और मैं नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर में हूँ। तो गाइज आप जो भी सहायता चाहते हैं आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।